हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक और बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आया हूं। तो इस वीडियो हम आकर्षण क्रीम के बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं कि आखिरकार आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आखिरकार आप इसको यूज़ करने से पहले ये कैसे पता लगा सकते हैं कि यह आपके चेहरे पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है या नहीं कर सकती है, और आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए या इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जाकर अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी शानदार वीडियोस के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहते हैं मेडिसिन से रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आकर्षण क्रीम। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको जो साल्ट जो मिलता है, जो साल्ट कॉम्पोजिशन जो ड्रग मिलता है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो आपको इसके अंदर क्या मिलता है, हाइड्रोक्विन, ट्रेटिनोन एंड मेमिटासोन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये जो साल्ट है फ्रेंड्स, इसमें जो आपको कॉम्पोजिशन जो मिलते हैं, ये जो मिलते हैं ये आपके जो काम आते हैं, मैं वो भी बताने वाला हूँ आखिरकार ये आपके क्या काम आते हैं। तो पहले इसके देखिए, आपको जो इस पर रैपर पे जो इसके बारे में डिटेल्स मिलती हैं वो क्या मिलती हैं, आपको देख सकते हैं इसका नाम मिल जाता है पहले तो आकर्षण, और इसमें मिल जाता है फॉर मैन एंड वुमेन, मतलब कि ये क्रीम जो है ये दोनों के लिए, ये इस क्रीम को जो है मैन एंड वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। और इस ये क्रीम आपको देखिए 20 ग्राम की क्रीम मिलती है। इसके अंदर आपको मैं ये दिखा भी देता हूँ किस तरीके की आप क्रीम मिलती है। तो देखिए, आपको इस तरीके की इसमें क्रीम मिल जाती है, देख सकते हैं आकर्षण क्रीम में। और फ्रेंड्स, ये देखिए आपको इसमें लिखा मिलता है क्रीम इज ग्लो, वो ग्लोइंग कैट योर आकर्षण, देख सकते हैं मतलब कि आपकी स्किन को ये आकर्षित बना देता है और आपकी स्किन को गोरा कर देता है ये। तो इसमें जो आपको ये साल्ट मिलता है, ये फ्रेंड्स आपके जो काम आते हैं आखिरकार, ये काम आते हैं आपके जैसे कि डार्क सर्कल्स हो गए, आँखों के नीचे जैसे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, या मतलब उनको टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा सोने का, उनके नीचे आँखों के नीचे लेडीज़ के मैन के डार्क सर्कल्स हो जाते हैं नीचे, या आपके जैसे चेहरे पर मतलब कि आँखों के नीचे और नोज़ के साइड में जो डार्क सर्कल्स नहीं हो जाते हैं, काले काले धब्बे से पड़ जाते हैं आपके गालों पर, ये उसमें काम आती है। और आपके जैसे कि जैसे मान लीजिए आपके पिंपल्स हो गए या दाने हो गए फेस पे, उसके जैसे गड्ढे गड्ढे से रह जाते हैं आपके फेस पे, और मतलब काले काले धब्बे धब्बे से भी रह जाते हैं, काले काले निशान कभी बार ऐसा होता है पिंपल्स के और दाने के आपके फेस पे, तो ये उन सब को भी ठीक कर देती है। और फ्रेंड्स, ये आपकी मतलब स्किन अगर काली है, जैसे कि आप अगर काले हैं, तो ये आपकी स्किन को गोरा बनाने में भी मदद करती है, क्योंकि आपको जो इसके अंदर साल्ट मिलता है, ये साल्ट आपकी स्किन को मतलब कि गोरा बना देता है और आपको मतलब कि एक हेल्दी एंड शाइनिंग स्किन देता है। तो ये जो, लेकिन एक बात फ्रेंड्स, ये जो साल्ट है इसमें जो ये आपको मिलता है, इसके मतलब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, उसके बारे में हम इसी वीडियो में थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम इसके मतलब कि यूजेस की बात कर लें, आखिरकार आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो आपको जो इसको यूज़ करना है वो इस तरीके से करना है। पहले आपको देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसकी एक क्रीम निकाल लेनी है। देखिए आपको ये मतलब ऐसा मिलेगा, आपको क्रीम लेकर अपने हाथ पर क्रीम लेकर अपने या तो थाइज़ पर मतलब जो पैर की थाई होती है या आपके कान के पीछे, आपको लगाकर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और फ्रेंड्स, अगर आपके कान के पीछे खुजली होने लगती है या मतलब ऐसे कुछ इरिटेशन सी होने लगती है, तो फ्रेंड्स आप ये समझ लेना ये आपके स्किन के लिए सही नहीं है और आप इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज़ मत करना। इस क्रीम का मतलब आपको जिस क्रीम में हाइड्रोक्विन, ट्रेटिनोन एंड मेमिटासोन आपको मिलता है, वो क्रीम आप बिल्कुल भी यूज़ मत करना, या आकर्षण हो या स्कारलाइट हो या क्लियर स्किन हो या एनफोर्स हो मतलब वो एनफेज हो, या फ्रेंड जैसे कि मतलब और भी इसमें क्रीम आती हैं जैसे कि वो होता है मेडिसेलिक भी, तो इन क्रीमों को आप बिल्कुल भी यूज़ मत करना, आपको साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मतलब जैसे मैंने आपको तरीका बताया, आप उन मतलब कि उन क्रीमों के संग भी यही तरीका यूज़ कर सकते हैं कि जानने के लिए कि आपको उसका साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको इसके यूज़ बता दिए हैं कि मतलब किस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसको जैसे आप लगाते हैं तो आपको इसको रात में यूज़ करना है।
आपको उसको रात में लगाकर सुबह अपना फेस किसी भी चीज़ से आपको धो लेना है, मतलब कि फेस वॉश से या मतलब साबुन से आप अपना फेस धो लीजिए। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको सनस्क्रीन यूज़ कर लेनी है, नहीं तो अगर आप फ्रेंड्स सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे तो आपको मतलब कि जो मतलब आपकी जो स्किन है वो रेड हो जाएगी, जैसे आप धूप में जाएंगे तो आपकी रेड हो जाएगी स्किन और आपके चेहरे पर खुजली भी होने लगेगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसके आपको यूज़ और मतलब कि जैसे मतलब क्या क्या किस किस चीज़ में काम आती है और मतलब किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी बता दिए हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं, आखिरकार इसके आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसके नॉर्मली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये है कि आपको खुजली होगी आपके चेहरे पर और आपको इरिटेशन सी महसूस होने लगेगी, मतलब कुछ सही सही सा नहीं लगेगा, आपके खिंचाव खिंचाव सा ऐसे आपके चेहरे पर आपको मिल सकता है देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स ये आपको इसके यही साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक।